होने के लिए कहूंगा, पहले उस गांव के व्यक्ति से मिलने के लिए बैठूंगा। और आज भगवती मानव कल्याण संगठन, आप देख सकते हैं, आप यहां पर बैठे हैं, अपनी संख्या देखिए। आज भगवती मानव कल्याण संगठन में 80-90% आम आदमी जुड़ करके अपने जीवन को सुधार करके और चेतनावानों का जीवन जीने की कोशिश कर रहा है, यही परिवर्तन है। आज ये केवल 20-22 साल की यात्रा है, अभी लंबी यात्रा है। गुरुवार का एक एक पल, एक एक समय गरीब व्यक्ति के लिए होता है। आज बड़े बड़े महानगरों में न जाने कितने धर्माचार्य, कोई भी किसी को भी बाबा बनने का शौक होता है तो पहले वो शहरों की ओर भागता है। आश्रम बनाने का जिसको शौक पलता है, कोई काम नहीं, बोले किसमें आजकल बढ़िया चल रहा है, बोले बाबा बन जाओ। बोले कहां बनाए, बोले दिल्ली में बनाओ, भोपाल में बनाओ, इंदौर में बनाओ, बंबई चले जाओ, वहां तो और बढ़िया है। लेकिन जब समाज को एक करने की बात आई, जब आश्रम बनाने की बात आई, तो पूरी दुनिया से न्योता आया। गुरुवर के बड़े बड़े शिष्य थे, बड़े बड़े लोग थे, कुछ शिष्य थे गुरुवर के पहले भी, 30 साल पहले भी, उन्होंने कहा आप हरियाणा में बनाइए, किसी ने कहा दिल्ली में, गुरुवर ने कहा नहीं, मुझे आम व्यक्ति का सुधार करना है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज दुनिया को छोड़कर के मध्य प्रदेश के ब्योहारी में आकर के गुरुवर ने आश्रम बनाया। आज अगर मध्य प्रदेश में गुरुवर का आश्रम न होता तो आज दमोह और सागर के व्यक्ति इतनी बड़ी संख्या में गुरुवर से बार बार जाकर के न मिल पाते। संगठन का इतना विस्तार न होता, आखिर गुरुवर की व्यथा थी, गुरुवर का चिंतन था इस धरती के प्रति। गुरुवर को लगा कि मैं यहीं रह करके दमोह वालों का कल्याण कर सकता हूं, मेरी विचारधारा दमोह वालों का कल्याण कर सकती है। और फिर संगठन का गठन करने के बाद गुरुदेव जी महाराज ने चिंतन किया, मां के निर्देशन से गुरुदेव जी महाराज ने वह रास्ता बताया जिससे आम व्यक्ति सुधर करके चेतनावानों का जीवन जिए और अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपना विकास करे, किसी पर आश्रित ना रहे। इसीलिए गुरुवर ने भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन किया, जिसके बैनर तले आज लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग एकीकृत होकर के और समाज में कुछ अच्छा करने का काम कर रहे हैं। यही बहुत बड़ी बात है, आज आवाज उठा पा रहे हैं। वरना किसी बड़े आदमी के खिलाफ, किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ, किसी भ्रष्टाचारी राजनेता के खिलाफ आवाज उठाने वाले को जेल की सलाखों के पीछे आज बंद कर दिया जाता है। लेकिन हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज और उनके शिष्य खुले मंचों से गांव गांव शहर शहर में हर एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ खुले मंच से आवाज उठाते हैं, किसी का भी हिम्मत नहीं कि बाल बांका करके दिखा दे। ये भगवती मानव कल्याण संगठन की शक्ति। इसलिए गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि अगर परिवर्तन करना चाहते हो, लाभ लेना चाहते हो, देवी देवताओं का आशीर्वाद पाना चाहते हो, तो सबसे पहले नशा मुक्त हो जाओ। पूजा पाठ करना चाहते हो, पूजा करके अगर मां की कृपा पाना चाहते हो, अच्छा घर चाहते हो, जो कुछ भी चाहते हो, लेकिन पहले नशा मुक्त हो जाओ। सत्यनारायण का कथा करवाइए घर में, किसी धर्माचार्य पंडित जी को बुलाइए, वो क्या बताएंगे, 1 किलो छोहारा, 2 किलो बादाम, 10 पान के पत्ते, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन गुरुदेव जी महाराज ये सब नहीं बताते। गुरुदेव जी महाराज पूजन की विधि, गुरु जी ने बताया है साधना की विधि, कि अपने घर में साधना करो, कुछ भी ना हो, एक पाई भी ना हो, तब भी आंख मूंद करके बैठ जाओ मां के सामने और नशा मुक्त होने का संकल्प ले लो। आपको जो बड़े बड़े कथा भागवत से नहीं मिलेगा, वो आपको 1 घंटे की साधना से मिल जाएगा। गुरुवर ने देखा कि आज एक आम आदमी किस चीज से परेशान है। एक शहर का बड़ा आदमी तो 1000 रुपए की एक बोतल लेता है दारू की और मजे से पी करके सो जाता है, बढ़िया पीता है, रात में सो जाता है, दिन भर काम करता है, पढ़ा लिखा है, अगर गलत कर भी रहा तब भी पढ़ा लिखा है, जानता है कि किस समय पीना है किस समय नहीं पीना, और कोई बीमारी हो भी गई तो दवाई करा के बढ़िया हो जाएगा। लेकिन गुरुवर ने देखा कि आज आम आदमी किस चीज से परेशान है, सबसे ज्यादा नशे के कारण परेशान है। गांव का व्यक्ति जो तंबाकू खाता है, मुंह का कैंसर हो जाता है और 10 लाख रुपए में कैंसर का इलाज होता है, उसके पास नहीं है तो बेमौत मर जाता है। गुरुवर ने देखा कि राष्ट्रीय गुटखा बिक रहा है और गांव गांव में 1-1 रुपए 2-2 रुपए में लोग खा रहे हैं, परेशान है, बीड़ी पी रहा है एक व्यक्ति,
खांस खांस के मर जाता है। गुरुवर ने देखा कि शराब, देसी शराब गांव गांव बिक रहा है, विदेशी शराब गांव गांव बिक रहा है, और एक मजदूर जो 200-300 रुपए कमाता है गांव में, गांव से जाकर के शहर में कमाता है, 200-300 रुपए कमाता है, और वही 200-300 रुपए कि शराब पी करके गली में नाली में लौटते हुए पड़ा रहता है, उसका कल्याण कैसे होगा। गुरुवर ने कहा सबसे पहले नशा छुड़ाना होगा, इसलिए भगवती मानव कल्याण संगठन का सर्वप्रथम लक्ष्य कि नशा मुक्त भारत करो। आज आप यहां पर बैठे हुए हैं, मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यहां पर 60-70% जो पुरुष व्यक्ति बैठा हुआ है वो पहले कहीं ना कहीं नशा करते रहे होंगे। हम जानते हैं आपको, आप हमें जानते हैं, आप कोई नए लोग नहीं हमारे लिए, नशा करते रहे होंगे, परेशान रहते रहे होंगे, आप समाज में निकलना नहीं जानते रहे होंगे, घर से बाहर नहीं जाना जानते रहे होंगे, घर में कहीं ना कहीं अशांति का वातावरण बना रहा होगा, बहुत पूजा पाठ घर में आपके घर में चलता रहा होगा, आपके घर में जो महिलाएं होती रही होंगी खूब पूजा पाठ करती रही होंगी, लेकिन कुछ भी नहीं होता रहा होगा। लेकिन जब से आपने नशा मुक्ति का संकल्प लिया होगा तब से आपके घर में सुख शांति की स्थापना भी हुई, और आप इसी तरह से घर घर गांव गांव जाकर के माइक में खड़े होकर जो कल बोलना भी नहीं जानते थे आज माइक में खड़े होकर के लोगों को चेतनावान होने का संदेश देते हैं, भाषण देते हैं, चिंतन देते हैं, क्या यह परिवर्तन नहीं? अच्छा, भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन केवल और केवल गुरुवर ने आपके उत्थान के लिए, आपके विकास के लिए किया है। हम इग्नोर करते हैं करोड़पति को, धन्ना सेठों को, उनकी इच्छा नहीं है तो हमें बुलाते भी नहीं, उनके पास जाते भी नहीं, लेकिन आपके पास बार बार जाते हैं कि आओ गुरुवर की यात्रा को देखो। आज परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज जिनके पास सब कुछ सुख वैभव है, पूरी दुनिया ब्रह्मांड का सुख गुरुवर कहते हैं मेरे पास है, लेकिन फिर भी 2:30 बजे सुबह उठने की क्या हो सकता है गुरुदेव जी महाराज को, इस ठंड के पूज के मौसम में जहां एक व्यक्ति 8 बजे भी बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं रखता, वहां गुरुदेव जी महाराज को क्या हो सकता है कि 2:30 बजे उठे। केवल आपके लिए गुरुवर के पास सब है, उन्होंने मां के दर्शन प्राप्त किए हैं, उनके लिए कुछ भी शेष नहीं, असंभव नहीं, लेकिन गुरुवर फिर भी 2:30 बजे उठ करके लोगों आपको बता रहे हैं कि प्रकृति के नियमों का पालन करो, कम से कम मैं 2:30 बजे उठता हूं तो तुम सूर्योदय से पहले तो कम से कम उठ जाओ, इसका संदेश गुरुजी दे रहे हैं। मंच में आपको बताने वाले बहुत हैं, किताबों में ऐसा लिखा है सुबह उठो, लेकिन गुरुवर कह रहे हैं बताने से कुछ नहीं होगा, जब तक मैं दिखाऊंगा नहीं तब तक आप बढ़ोगे नहीं, इसलिए गुरुवर सुबह 2:30 बजे उठते हैं, नित्य की साधना संपन्न करते हैं इसी ठंडी के मौसम में, और उनके तन पर इतनी ऊर्जा, इतनी ऊर्जा गुरुवर के शरीर पर है कि उनके तन पर कभी किसी ने शाल या स्वेटर नहीं देखा होगा, उसी तरह धोती कुर्ता में रहते हैं। यह साधना की ऊर्जा है जो आपको करने के लिए गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं। गुरुवर कहते हैं बड़े से बड़ा संघर्ष मेरे जीवन में मां दे दे, मैं उसका सामना कर लूंगा। किसके बल पर? इसी साधना के बल पर, जो साधना आपको करने के लिए गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि मंदिरों में ना भटको, दुनिया में ना भटको, तीर्थों में ना भटको, लेकिन अपने घर में आंख मूंद करके यदि आधे घंटे की साधना कर लोगे तो जितनी बड़ी से बड़ी विपत्ति आएगी उसका समाधान आपको अपने आप मिलता चला जाएगा। इसलिए साधना करिए। गुरुवर ने कहा नशा मुक्त रहो, छुआछूत रहित जीवन जियो। शहरों में लोग नहीं मानते जाति भेद छुआछूत, होटलों में खाना खाते हैं आप भी खाते हैं, लेकिन सब कुछ आपके घर में ही हो जाता है, फला जाति का है मेरे घर में नहीं आना चाहिए, वो मेरे घर में बैठ जाएगा, मैं उसको छू लूंगा तो मेरा जीवन भ्रष्ट हो जाएगा। आपका विकास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप बटे हुए हैं, आप जाति में बटे हुए हैं, आप गांव में बटे हुए हैं, आप एक पुरानी गंदी सी बिगड़ी हुई विकृत परंपरा में बटे हुए हैं। इसलिए गुरुवर ने कहा कि गांव के लोग क्यों, उनका उत्थान क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो बटे हुए हैं, तो उनको एक करना पड़ेगा। आज भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की तरफ से अभी ग्राम पंचायत का चुनाव है, एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए तो आज आप चार चार में बट करके हमको दिखा दोगे। आवश्यकता है कि एक बने, हम एक मुट्ठी में हम बंध जाएं, एक विचारधारा में बंध जाएं। अगर गुरुवर ने कहा कि नशा मांसाहार चित्रहीनता मुक्त रहना पड़ेगा, छुआछूत रहे जीवन जीना पड़ेगा, तो यही आपके उत्थान के लिए, आपके आने वाले बच्चों के लिए यही एक कुंजी है, जिसे आप दे दोगे तो आने वाली आपकी पीढ़ी सुख वैभव का जीवन जी सकेगी, अन्यथा नहीं तो ये राजनेता आपको इसी तरह से परेशान करके रखेंगे, आपको लूटते खसोटते रहेंगे। आज समय है, गुरुदेव जी महाराज की दिनचर्या को देखिए, आप आश्रम जाते हैं, आज तक 22 वर्षों में किसी ने नहीं देखा होगा कि कभी इधर से उधर गुरुदेव जी की दिनचर्या हुई हो। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति तो आपको दूसरा नहीं मिलेगा
गुरुदेव जी दिखा रहे हैं कि देखो सत्य की विचारधारा क्या होती है, मैं दिखा रहा हूं। चालीसा भवन की आरती, मूल ध्वज की आरती, आपसे मिलने का क्रम, आप रोज जाते हो, जब भी आप जाते हो गुरु जी आपको वैसे ही मिलते हैं आपसे। आज एक बात लेकर के जाओ, कल वही बात लेकर के जाओ, परसों वही बात लेकर जाओ, गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि वही बात क्यों बताते हो मुझे। गुरुदेव जी सुनते हैं और जितना आपकी पात्रता है आपको आशीर्वाद देते हैं। क्यों? केवल और केवल आपके उत्थान के लिए। और अगर कहीं गुरुदेव जी देखते हैं कि मेरे शिष्य मुझसे झूठ बोल रहे हैं, मुझसे दगा कर रहे हैं, मुझसे छल कर रहे हैं, तो गुरुवर का तो कुछ नहीं जाता। गुरुदेव जी है ही आपके लिए आए हैं, गुरुवर का मैं जो करने आया हूं हो जाएगा। लेकिन जब देखते हैं तो उन्हें व्यथा होती है कि मैं अपने शिष्यों के लिए इतना कर रहा हूं, दो दो घंटे तीन तीन घंटे की नींद गुरुवर ले रहे, इससे ज्यादा गुरु जी कभी सोते नहीं, कभी विश्राम में नहीं जाते, तो गुरुवर को लगता है मैं इतना कर रहा हूं और मुझसे लाभ नहीं ले पाएगा। व्यथा इस चीज की है गुरुदेव जी महाराज को। उनके लक्ष्य की पूर्ति तो हो जाएगी लेकिन आप कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। इतना जुड़ने के बाद भी आपका परिवर्तन आपके जीवन में नहीं हो पाएगा, आप उस महान लक्ष्य से कहीं ना कहीं भटक गए, ये गुरुवर की व्यथा होती है। पांच पांच घंटा 9 बजे से 1-1 बजे तक गुरुदेव जी महाराज आश्रम के निर्माण में स्वतः खड़े रहते हैं। क्या आवश्यकता है? इतना बड़ा संगठन, इतना बड़ा वैभव, इतने सारे लोग हैं आश्रम में, लेकिन गुरुदेव जी महाराज कहते हैं मैं अपने आप को तपाने आया हूं कि मैं कम से कम कहीं एक बिल्डिंग भी अगर खड़ी मिले और आने वाला समाज देखे तो वहां पर मेरी चेतना तरंगे उसको मिले, मैं इसलिए आज खड़ा होकर के काम करवाता हूं। इतना आपके लिए गुरुदेव जी महाराज कर रहे हैं। अतः भाइयों बहनों, इस विचारधारा को और गहराई से थोड़ा सा समझने का प्रयास करो और गहराई से इससे जुड़ने का प्रयास करो, एक होकर के दिखा दो, देखिए आपके जीवन अपने आप परिवर्तन होता चला जाएगा। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी गठन किस लिए किया गया? तमाम तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निदान कैसे मिले, समाधान कैसे मिले, उसके लिए आपको ही तैयार होना पड़ेगा, आपको ही खड़ा होना पड़ेगा, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आएगा। जाति में बांट करके वोट ले रहे हैं लोग और हम जिस जाति के हैं उसी जाति के नेता को चुनते हैं। और मान लो कल मेरी जाति का नेता आज विधायक है, आज सांसद है और कल आने वाले समय में नहीं होगा तो मेरे लिए तो कुछ नहीं करेगा, मैं 5 साल तो ऐसे रह जाऊंगा। फिर वो अपनी जाति के व्यक्ति के लिए करेगा तो क्यों हम ऐसे नेता को नहीं चुनते, क्यों ऐसे नेता को हम नहीं तैयार करते जो सभी जाति संप्रदाय को एक समान मान के सभी के लिए काम करता हो? आज आवश्यकता है इसकी, वरना आपके आपके जाति का नेता आपके घर के आंगन में आकर के बैठ जाएगा चुनाव के पहले और बोलेगा जो भी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन इस तरह रोटी खाते खाते हमारा कल्याण नहीं हो सकता, टुकड़ा खाते खाते हमारा कल्याण नहीं हो सकता। आजादी के 70 साल हो गए, यही करते करते क्या बदलाव आया? गाँव आज वैसे ही है, कोई विकास नहीं है, दवों की हालत देख लो, पानी पीने के लिए नहीं है। हम 4-5 साल से आ रहे हैं, हमें वही सुनाई सुनने को मिलता है कि पानी नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है, यहाँ पर उद्योग धंधा नहीं है। 70 साल 75 साल हो गए, क्या आगे भी ऐसा ही चाहते हो? नहीं चाहते हो तो भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की जो संयुक्त विचारधारा है, नशा मानसार चरित्रहीनता छुआछूत भेदभाव आडम्बर रहित धर्म का पालन, सभी धर्मों का सम्मान और एक ऐसे नेता को चुनाव चाहे जहां का भी नेता हो अपने बीच से खड़े कर लो जो सभी जाति धर्म संप्रदाय को एक समान मान के चलता हो, उसे ही हम वोट देंगे, उसी का समर्थन करेंगे। यह संकल्प आप लेना प्रारंभ कर दीजिए तभी आपके क्षेत्र का विकास हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। बार बार आपसे यही कहना है, आप सब कुछ जानते हैं गुरुवर की क्या विचारधारा है, गुरुदेव जी महाराज कैसे काम करते हैं, लेकिन आप जहां चूक जाते हैं तो आपके आने वाली पीढ़ी भी वहीं चूकती चली जाएगी। इतना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है, एक बड़े धुंध में एक जुगनू अगर दिख जाता है बहुत बड़ी बात है। आज जहां नीति अन्याय धर्म का वातावरण है, महिलाओं के साथ व्यभिचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, युवाओं के साथ रोजगार उनको नहीं मिल रहा, उनको नौकर बना के रखा जा रहा है, आज आवश्यकता है कि हर गांव में कुछ ना कुछ उद्योग धंधे कुटीर उद्योग होता है जो गांव में ही होता है, गांव में निर्माण हो, गांव के लोग उसमें लगे और वो सब कुछ शहर जाए, शहरों का पैसा गांव में आए, ये चीज होने की आवश्यकता है जो नहीं हो पा रहा। इसके लिए आपको संगठन और पार्टी की विचारधारा में चलना पड़ेगा, युवाओं को चैतन्य बनाना पड़ेगा, सभी को एक वोट के नीचे खड़ा होना पड़ेगा, माताओं बहनों को साथ में घर से निकलना पड़ेगा, जहां संगठन के कार्यक्रम हो, जहां पार्टी की रैली हो, अपने घर से अपनी महिलाओं को, बच्चों को, बच्चियों को, जो भी आपके घर में हो, सभी को एक साथ निकालना प्रारंभ कीजिए। यह सत्य की यात्रा है जो आपको दोबारा नहीं प्राप्त होगी, यह समय आपको दोबारा प्राप्त नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अभी सिंगरौली में जो फरवरी में शिविर होना है
उस शिविर में अधिक से अधिक अपने इष्ट मित्रों को लेकर के पहुंचने का प्रयास करें, गुरुवर का दर्शन कराएं, गुरुवर के चिंतन वहां पर आपको सुनने को मिलते हैं, गुरुवर अपने शिविरों में ही गुरु दीक्षा देते हैं, अतः अपने सभी इष्ट मित्रों के साथ वहां पर पहुंचने का प्रयास करिए। और अधिक से अधिक जो आपके क्षेत्र में गांव छूटे हुए हैं जहां संगठन की विचारधारा को हम नहीं पहुंचा पाए, टीम प्रमुख पदाधिकारी सभी मिलकर संयुक्त रूप से वहां पर पहुंचकर गुरुवर की विचारधारा को जन जन पर पहुंचाने का प्रयास करें। इन्हीं सभी शब्दों के साथ पुनः आप सभी को जय माता की, जय गुरुवर की, भोले शंकर देव भगवान की जय। इस तरह से